442 में 80 जोड़ा जाए तो होता है 522। अरे दादा, एक दिन में इतना खर्चा हो गया वो केसर के चक्कर में। अब भी अगर हम उसको यादव खानदान की बहू नहीं बना पाए ना, तो बलिया वाली होने पे लानत है। ए लल्ला, जरा मुंबई का टिकट कटाओ और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर देख कर आओ और कुछ सीखो। काहे से क्यों केसर का ब्याह होना चाहिए था तुम्हारे साथ, मगर होगा कैसे? अरे तुमको देवदास की तरह मुंह लटका कर इधर उधर घूमने से फुर्सत मिले तब ना। अम्मा, ये सब क्या बोल रही हो आप? अरे लल्ला, हमसे झूठ काहे बोल रहे हो? हाँ, तुम ना कहोगे हम हाँ कहेंगे, फिर तुम कहोगे कि अम्मा ये सब झूठ है, फिर हम तुम्हारा हाथ अपने सर पर रखेंगे और कहेंगे कि बेटा सच बोलो, फिर तुम घबरा के कह दोगे कि हाँ हाँ अम्मा, हम केसर से बहुत प्यार करते हैं। तो बिटवा, इतना नाटक नौटंकी करने से अच्छा है कि अपना कहानी साफ साफ बता दो, है कि नहीं? अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। है, बहुत कुछ है। अरे हम जानते हैं, कैसे ना बिटवा, ये जो प्यार होता है ना, ये होता है भारी, और जब दिल ही दिल में दबा के रखना पड़े तो वो जैसा लगता है जैसे छाती पे पहाड़ रखा हो। और बिटवा, संतान का चेहरा होता है ना, वो होता है आईना, और हमको ये आईना पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। यही से कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल में केसर के लिए बहुत प्यार है, और उनको ब्याह करके लेके जा रहा है सूरज। अब बताओ लल्ला, ऐसा कैसे होने दे हम? अम्मा, एक बार कह दिया ना आपसे कि जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो खाओ अपनी अम्मा के सर की कसम और कहो कि तुम केसर से प्यार नहीं करते। अरे बोलो ना, कुछ बोल का ही नहीं रहे। कह दो कि तुम्हारे दिल में केसर के लिए कोनो चाहत नहीं है। खालो अपनी अम्मा की झूठी कसम, मर जाने दो हमें। कह दो कि तुम केसर से प्यार नहीं करते। लेकिन केवल दोस्ती वाला। और एक बात अच्छे से समझा दे रहे हैं आपको, इसके बीच में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले ही हमारा दिमाग बहुत खराब है, उसे और खराब ना करें। चलते हैं। जय अंबे मां। ना बिटवा, अपनी अम्मा के जाल में। ये फुलवा पे हम सब कुछ रिकॉर्ड कर लिए हैं, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा इजहार। ये फुलवा के पेट में अब सब कुछ कैद है। क्या करें बिटवा, तुम्हारी अम्मा है ही ऐसी, हमको तो ना बस तेरा ही समझ में आता है।